हेलो फ्रेंड, नमस्कार। पिया पाइसी किचन में आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाएंगे स्पंजी केक। टूटी फूटी स्पंजी केक बहुत ही सॉफ्ट और स्मूथ केक है, घर में बहुत ही आसानी से बन जाती है। चलिए अभी शुरू करते हैं। मैं इधर एक कैन बैठा है, इडली का स्टैंड है, उसमें हम थोड़ा सा नमक डाल देते हैं। हीटी अच्छी आएगी, उसको चारों तरफ से खिला के डाल देते हैं। इधर मैं छोटा सा कटोरी यूज़ कर रही हूँ, आपके पास स्टैंड है तो आप स्टैंड लगा सकते हैं। इस तरह से सेट कर दीजिए और उसको अभी ढक्कन लगा देते हैं। लगा के 10 मिनट के लिए हीट के लिए छोड़ देते हैं। ये जब तक हीट हो रही है, दूसरा चीज़ हम तैयार करते हैं। इसी कैन में मैं केक बनाने वाली हूँ और उसको हम थोड़ा सा तेल से ग्रीस कर लेते हैं चारों तरफ से। और उसमें हम तो बटर पेपर लगा देते हैं। मैं साइड में भी बटर पेपर यूज़ कर रही हूँ, उसको ऊपर थोड़ा सा तेल हम ग्रीस कर लेते हैं। क्या नामा रेडी हो गई है, उसको साइड कर देते हैं और बटर तैयार करते हैं। ये मैं शुगर पाउडर ले रहा हूँ 1/4 कप, मतलब 120 मिलीग्राम। और उसी कप में हम दही डालेंगे 1 कप। उसको हम मिक्स कर लेते हैं। ये हमारा मिक्स हो गई है और एक छोटी कप में डाल रही हूँ तेल, 60 मिलीग्राम उतना तेल डाल रही हूँ। उसको हम मिक्स कर लेते हैं अच्छी तरह से। 1 चम्मच वैनिला फ्लेवर, केक का फ्लेवर अच्छी आएगी, उसको हम मिक्स कर लेते हैं। मैं इधर 1 कप मैदा डाल रही हूँ। और 1 चम्मच बेकिंग पाउडर, एक छोटी चम्मच बेकिंग सोडा, उसको थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं। बटर हमारा थोड़ा सा गाढ़ा है, इसलिए हम उसमें डालेंगे 2 चम्मच दूध, मिल्क डाल देते हैं। ज़्यादा मिल्क नहीं डाल रहे हैं, 2 चम्मच ही डाल रहे हैं सब। उसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। एकदम स्मूथ बनाएंगे। यह हमारा मिक्स हो गई है, उसमें हम डालेंगे 1 छोटी चम्मच विनेगर, उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। बटर हमारा बन के ऑलमोस्ट तैयार हो गई है, रेडी है। उसको हम कैन में सेट कर लेते हैं। उसको अच्छी तरह से सेट कर दीजिएगा।
बटर हमारा सेट हो गया। उसके ऊपर हम थोड़ा सा टूटी फूटी ऐड करेंगे। इसमें मेरा पास रेड कलर का टूटी फूटी था, इसलिए मैं रेड कलर की ही डाल रही हूँ। आपके पास जो भी अवेलेबल है आप डाल सकते हैं। बटर हमारा सेट हो गई है, उसको हम बेक करते हैं। उसके अंदर से आस्ते से हम सेट कर लेते हैं। उसको ढक्कन लगा के 40 से 45 मिनट्स के लिए लो फ्लेम में हम उसको बेक के लिए छोड़ देते हैं। ये हमारा हो गई है 40 मिनट्स। तो उसके बाद हम चेक करते हैं। ये देखिए हमारा केक जो बन के तैयार हो गई है, अभी चेक कर लेते हैं। ये देखिए एकदम भी नहीं लग रहा है, बटर अच्छी तरह से बेक हो गई है। उसको हम निकाल देते हैं। और 10 मिनट के लिए ठंडा के लिए छोड़ दी थी। ये हमारा से उसको हम निकालते हैं। इस तरह से चारों तरफ से ऐसे कट लगा दीजिए। और एक प्लेट लीजिए, उसका ऊपर से सेट कर दीजिए। उसको पलटी कीजिए, नीचे की तरफ से हल्का सा हाथ मारने से निकल जाएगी। ये देखिए कितनी अच्छी से हमारा केक निकल गई है। उसका ऊपर हम बटर पेपर निकाल देते हैं। उसको पलटी कर देते हैं। देखिए कितनी अच्छी स्पंजी केक बन के तैयार हो गई है घर में बिना ओवन की। बहुत ही आसानी से आप घर में टूटी फूटी केक बना सकते हैं। अगर आपको मेरे रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा अगली वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए। और घर में बना के ज़रूर खाइएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसा बना है स्पंजी केक। बच्चे लोग को बहुत ही पसंद आएगी। घर में बहुत ही आसानी से आप बेक कर सकते हैं किसी भी बर्तन से। अभी मैं कट करके दिखाती हूँ। ये देखिए कितनी सॉफ्ट और स्पॉन्जी केक बन के हमारा तैयार हो गई है। इस तरह आप घर में बनाइए, बच्चा लोग को खिलाइए। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।